बड़ी खबर इस वक्त की फिरोजाबाद से आ रही है। अवैध खनन का विरोध करने पर हुआ खूनी संघर्ष। प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद टुंडला सर्किल में नहीं थम रहा मिट्टी के अवैध खनन का कारोबार। नगला सिंधी थाना क्षेत्र के गांव बदनपुरा में बीती रात खनन माफियाओं ने किया अवैध खनन। कुछ दिनों पूर्व खनन अधिकारी फिरोजाबाद के निर्देश पर सीज किए गए थे खनन में जुटे वाहन। नगला सिंधी क्षेत्र में जोरों पर चल रहे मिट्टी का अवैध खनन करने का विरोध करने पर खनन माफियाओं ने ग्रामीणों को बेरहमी से घर में घुसकर पीटा। नगला सिंधी पुलिस ने ग्रामीणों का मेडिकल कराने के बजाय पहले करा दिए खनन में जुटे एक व्यक्ति का मेडिकल। अपना मेडिकल कराने के लिए कई घंटों तक अस्पताल में बैठे रहे ग्रामीण। थाना पुलिस की मामले में संदिग्ध भूमिका से खाकी से उठ रहा लोगों का भरोसा। टुंडला सीओ के आदेशों के बाद हो सका पीड़ित ग्रामीणों का मेडिकल। थाना पुलिस की इस कार्यप्रणाली से मिट्टी का अवैध खनन करने वाले माफियाओं के हौसले हो रहे बुलंद। आपके साथ क्या घटना हुई है? बचाने गए थे, बीच बचाव में चोटें लगी हैं। आपके भी बीच बचाव में चोट लगी है? कितने लोग थे वो लगवा? चौदह पंद्रह ट्रैक्टर चल रहे थे तो अंदाजा लगाओ कम से कम एक ट्रैक्टर पर दो लोग रहते ही। घर पर आके मारा है आप लोगों को? आपने इसकी सूचना दी थी पुलिस को? पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस ने हमको मेडिकल। घटना हुई थी ऐसा था कि मिट्टी खनन वाले मिट्टी डाल रहे थे गाँव में, तो वो रास्ता खराब कर रहे थे, तो मेरे भाई ने जाके बोला कि रास्ते को खराब मत करवाई। वो कम से कम 10-12-15 ट्रैक्टर चला रहे थे। इसी बात को लेके मैं पहले मेरे भाई को पीटा, जब लोग हम लोग उसको गए बचाने के लिए, तो हम लोगों को किस वक्त किस समय की बात होगी ये? ये सुबह लगभग 6 बजे करीब। तो क्या नाम जानते हैं उनमें से किसी का? हाँ, मैं एक दो लोग का नाम जानता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। क्या नाम है एक दो लोगों के? जो उसका मेन है उसका नाम है भूरी सिंह। भूरी सिंह और ये छारी पोखरिया का रहने वाला है। वो ठेकेदार है? कौन है वो? हाँ, से वही ठेकेदार है, वही काम कराता है। हमसे बोला पुलिस को कितने बजे सूचना दी थी आपने? हमने पुलिस को हमारे पास पहुंची है लगभग 6:30-7 बजे करीब, और वहाँ से उन्होंने उन्होंने हमसे बोला कि एम्बुलेंस से आप जाओ, मेडिकल अपना कराओ, हम अभी वो लेके भेज रहे हैं इसको, वहाँ से। और हमको कम से कम 2 घंटे हो गए यहाँ पे पड़े हुए। यहाँ से डॉक्टर साहब ने भी हमसे निकाल दिया है कि भाई यहाँ ऐसे नहीं हम रख सकते, बिना पुलिस के आपको नहीं एडमिट कर सकते हैं ना। 2 घंटे बाद उन्होंने यहाँ से पुलिस आपके साथ भी नहीं आई ना, आपको चिट्ठी दी गई है जो मेडिकल चिट्ठी होती है? नहीं। अब हम कौन से थाने का मामला था? नंगला सिंह जी। अब हम वहीं जा रहे हैं, बताओ इस पोजीशन में हमारे लिए दिक्कत है, हमारे चोट भी है, इधर उधर भागना भी पड़ रहा है। तब वहाँ से वो आए, पुलिस के द्वारा कोई सहयोग नहीं है आपका? कुछ नहीं। आपका वीरेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? कदलपुरा। क्या घटना हुई है आपके साथ? सर वो मिट्टी डाल रहे थे, अवैध खनन कर रहे थे। अच्छा, जबरदस्ती के रोज उठा लिया, हमने मना किया तो उन लोगों ने 8-10 ट्रैक्टर थे, सभी लोगों ने पीटा। कौन लोग थे वो? सर एक तो मिट्टी डालते हैं ना, नहीं